हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग पोएट्री। इसका मैंने आपको एक्टिविटी 3 और लर्न करवा दी है और इसकी ग्लोसरी भी हार्डवर्ड भी लर्न करवा दिए है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले मैं ये पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं वो बताती हूँ। ऑन दिस ग्रास हॉपर एंड क्रिकेटर इज ए सोनेट बाय रिवॉर्ड ब्रिटिश पोएट जॉन केट्स। इट दिस पोएम इज डिस्क्राइब हाउ टू इंसेक्ट ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट एन्जॉय देयर टाइम इन समर एंड विंटर। इसमें पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे दो इंसेक्ट्स हैं क्रिकेट एंड ग्रास हॉपर, वो कैसे अपना टाइम समर एंड विंटर में एन्जॉय करते हैं। द पोएट सेज दैट द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। इफ इट स्कॉचिंग हीट बर्ड्स आर फेटिंग एंड हाइडिंग देमसेल्फ इन कूलिंग ट्रीज। पोएट कहना चाहते हैं कि जो पोएट्री है अर्थ पर, वो कभी भी उसका अंत नहीं होता है। जब बहुत ही हॉट होता है समर में, तो जब बर्ड्स है वो कहाँ पे छुप जाते हैं, कूलिंग ट्री पे छुप जाते हैं। द पोएट सेड ही दैट फॉर फ्रंट द एन्जॉय समर ही हैज नॉट फिनिश्ड डिलाइट। लेकिन जब भी ये ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट सब एन्जॉय करते हैं और दे टेक द रेस्ट अंडर सम प्लेजेंट वी। द पोएट ऑल्सो सेज दैट द पोएट्री ऑफ द अर्थ नेवर स्टॉप। वो कहना चाहते हैं कि जो अर्थ पर पोएट्री कभी स्टॉप नहीं होती। ऑन ए लवली विंटर इवनिंग व्हेन देयर इज चिल एंड कोल्ड एंड नोबडी मूव्स आउट। जब बहुत ही विंटर होता है, बहुत ही कोल्ड होती है, ठंड होती है, तभी कोई भी बाहर नहीं निकलता, तब भी अंडर सम स्टोन देयर राइज ट्री क्रिकेट सम। तब भी ये क्रिकेट और जो क्रिकेट और ग्रास होपर का सॉन्ग हमें सुनाई देता है। तब अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विथ हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज। द वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉन मीड। दिस इज द ग्रास हॉपर्स ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन ही रेस्ट एज बेनिथ सम प्लेजेंट वेज। वो कभी भी एंजॉय करने का समर में और विंटर में भी वो अपना एंजॉय करते हैं और सॉन्ग इसका सॉन्ग हमें सुनाई देता है। अब हमको इसके पर से जो क्वेश्चन आंसर है वो करने का है। व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के द्वारा पोएट क्या कहना चाहते हैं। थ्रू द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम द पोएट रिफ्लेक्ट हिज बिलीफ दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर नेवर एंड्स इन द समर। वो कहना चाहते हैं पोएट की जो ब्यूटी है नेचर की, वो समर में भी कभी इसका एंड नहीं होता। द ब्यूटी इज हर्ड इन द ग्रास हॉपर्स कॉल्ड एंड इन द विंटर द ब्यूटी ऑफ नेचर इज शोन इन द श्री ट्री। जब समर होता है तो ग्रास हॉपर का सॉन्ग हमें दिखाई सुनाई देता है और विंटर में किसका, क्रिकेट का। इस तरह कभी भी जो नेचर की ब्यूटी है उसका एंड नहीं आता है। इस तरह वो दोनों छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो अपने को एंजॉय करते हैं। ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट एक्सप्लेन पोएट फीलिंग इन। ये जो सेंटेंस है उसको आपको एक्सप्लेन करने का है। तो द लाइन ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट मीन्स ग्रासोपर इज बीइंग कंटिन्यूसली सीकिंग फॉर प्लेजर फ्रॉम सिंगिंग। इसका मतलब है कि ग्रासोपर है वो कंटिन्यूसली अपने आनंद को ढूंढता है।
और वो गीत गाता है, तो द पोएट्री ऑफ अर्थ इज कॉसिंग नेवर ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग वेन द रॉट साइलेंस फ्रॉम द स्टॉन देयर स्ट्रीक द क्रिकेट सॉन्ग इन वॉर्म इंक्रीजिंग एवर एंड सीम्स टू वर्म डांस सिंस हाफ ग्रॉस द ग्रास ऊपर अमोंग सम ग्रेसी हिल्स। तो ग्रास ऊपर है वो जब ग्रेसी हिल्स मीन्स जो ग्रास से छाए हुए हिल है उसके ऊपर से अपना सॉन्ग वो अपना सॉन्ग करता है और हमें वो सुनाई देता है। इस तरह द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर कॉजिंग, कभी भी बंद नहीं, पोएट्री है अर्थ भी कभी भी कॉजिंग में बंद नहीं होती है। वाई डज द पोएट डिस्क्राइब द विंटर इवनिंग एज लॉन्ग, द पोएट डिस्क्राइब द विंटर इवनिंग इज लव बिकॉज द फ्रॉस्ट चिल कोल्ड हैज मेड पीपल शट अप इन देयर हाउस एंड स्ट्रीट आर डिस्ट्रॉयड और द पोएट ने जो विंटर की इवनिंग है वो कैसे डिस्क्राइब की है कि द फ्रॉस्ट चिल कोल्ड हैज जब बहुत ही चिल कोल्ड होती है एयर तो सब पीपल क्या होते हैं अपने घर में बंद हो जाते हैं और स्ट्रीट में भी कोई नहीं दिखाई देता है एंड सीम टू वन इन ब्राउनेस हाफ लॉस्ट। तो द पोएट सेज दैट द म्यूजिक ऑफ द नेचर इज अनएंडिंग बीइंग वन विद द सिंपथी सिमोथी ऑफ नेचर मैन फील्स ड्राउसी एंड कांट मेक डिस्टिंक्शन विद द क्रिकेट इज सिंगिंग। तो जो ये आपको अपनी होमवर्क की नोट में और इंग्लिश की नोट में लिखने का है। अब मैं आपको एक मैचिंग करवाती हूँ कि सबसे पहले फेंट, तो फेंट का क्या आएगा वीक, कोसिंग तो ई आएगा, कोसिंग का आएगा स्टॉप एक्साइटिंग और हैपनिंग वन और बी टू और ई थ्री और सी फोर और ए फाइव और बी। फिर आगे है क्वेश्चन आंसर, व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट इन द हीट ऑफ द सन, जब सब बर्ड सन की हीट से छिप जाते हैं तो क्या होता है। व्हेन द ओल्ड बर्ड्स आर फेंट इन द हीट ऑफ द सन दे हाइड इन कूलिंग ट्रीज एट दैट टाइम द ग्रास ओपर्स वॉइस रन्स इन द बुशिज एंड जब बर्ड छुप जाते हैं लेकिन वो ग्रास ओपर का वॉइस है वो तो बुशिज में से मीन्स के छोटे छोटे पौधे में से सुनाई देता है। वी कैन वन हियर द क्रिकेटर्स सॉन्ग, वेन कैन वन हियर जो क्रिकेट का सॉन्ग कब हम सुन सकते हैं। वन कैन हियर द क्रिकेट सॉन्ग ऑन द लॉन्ग विंटर इवनिंग, कब लॉन्ग विंटर इवनिंग वेन बिकॉज ऑफ द फ्रॉस्ट नोबडी कम आउट एंड देयर इज साइलेंस एवरीवेयर, क्योंकि बहुत ही ठंड होती है इवनिंग को तो कोई घर के बाहर नहीं आता और सब साइलेंस होता है तब क्या होता है क्रिकेट का सॉन्ग हमें सुनाई देता है। हियर ही इज द ग्रास ओपर एंड ही मूव्स इन बुशेस सिंगिंग ए सॉन्ग और वो छोटे छोटे पौधे में से अपना गीत सुनाता है। अब हम आगे करेंगे।